श्री राम को नहीं रावण को मानते हैं एसएस राजा मौली। राजा मौली ने कह दी अपने मन की बात और अब बाहुबली के डायरेक्टर के बयान पर तिलमिला गई है जनता। तो आखिर राजा मौली ने रावण के सपोर्ट में ऐसा क्या कह दिया कि लोग दोग टुक हो गए हैं। चलिए जानते हैं इस खबर को एकदम डिटेल में। दरअसल एसएस राजा मौली आज किसी पहचान के मोहताज बिल्कुल नहीं है। हालांकि डायरेक्टर ने हाल ही में राम और रावण पर बयान देकर अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ली हैं। राजा मौली ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है। इस दौरान उन्होंने अपने काम के साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी बात की। उन्होंने खुद को नास्तिक होने पर भी बयान दिया। हालांकि इस दौरान डायरेक्टर ने एक ऐसी बात कह दी जिस पर बवाल कट गया है। हाल ही में एसएस राजा मौली ने एक इंटरव्यू दिया है। इसमें उन्होंने भगवान राम से ज्यादा रावण को पसंद करने की बात कही। बाहुबली के डायरेक्टर ने कहा कि जब हम सभी लोग छोटे थे तो बचपन में हमने किताबों में पढ़ा था कि पांडव अच्छे थे और कौरव बुरे थे। इसी तरह किताबों ने भगवान राम को अच्छा बताया था और रावण को बुरा बताया था। हालांकि आप जैसे जैसे बड़े होते हैं और उसके बारे में और अधिक पढ़कर जानकारी लेते हैं तो ये सब एकदम उल्टा लगता है। हालांकि आपको बता दें कि इस इंटरव्यू में राजा मौली ने आगे रावण को अपना पसंदीदा किरदार भी बताया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे भगवान राम से ज्यादा रावण पसंद है। मुझे विलन बहुत ही शक्तिशाली पसंद है। रावण का किरदार मुझे काफी पसंद आया। मुझे लगता है कि खलनायक ऐसा होना चाहिए जिसे हराना काफी मुश्किल हो। अब एसएस राजा मौली की इस बात को सुनने के बाद लोग किस्म किस्म की बातें करने लग गए हैं। कई लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं तो कई उनके इस थॉट को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में कुछ रिएक्शन तो चुनकर हम भी लेकर आए हैं आपके लिए। शुरुआत करते हैं शालू से। एसएस राजा मौली सर एज अ डायरेक्टर मीन दिस ही सीज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रावण्स व्हिच फैसिनेटेड हिम। नो वन कैन बी 100% गुड और बैड। द लोकेश नाम के एक यूजर ने लिखा, सही बात, रावण एक बहुत अच्छे कलाकार थे। वहीं एक विद्युत जमवाल के फैन पेज ने लिखा, अगर ये बात कोई बॉलीवुड डायरेक्टर कहता तो गलत लगता सबको। वहीं संजय कुमार ने कहा, आई डोंट थिंक कुछ गलत बोला, आजकल राम कम रावण ही ज्यादा है। हालांकि अब उनके इस स्टेटमेंट को बिना कॉन्टेस्ट के स्प्रेड किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि राजा मौली ने रावण को अच्छा राम को बुरा बताया है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल ही अलग है। राजा मौली का कहना ये है कि जब वो अपने किरदार गढ़ते हैं तो अपने खलनायक को रावण जितना मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से उनको रावण पसंद है कि वो बहुत पावरफुल था जिसको हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। खैर आप बताइए नीचे कॉमेंट सेक्शन में कि आपको राजा मौली की ये बात कैसी लगी। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।